बच्चे नाच गाना शुरू किया जाए। महाराज जय शंकर के, आज नाचने वाली छुट्टी पे है, दो अघोरी पकड़ कर आया हूँ। ये अघोरी डांस करेंगे, हमारे जय श्री आज्ञा महाराज। साजिद लोगों का इंतजाम किया जा रहा है, आज पहला दिन है, थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज। खेले मसाले में
भाई हम तो भगवान का भजन कर रहे हैं। आप किसी और की लत लगाना छोड़ दो, लंकेश के अलावा किसी का नाम जपना छोड़ दो। हम तो पवित्र नाम लेते हैं। अरे पापियो, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या हरि से बढ़कर कोई है? मंत्री जी, इनके पास राज्य कर देने के लिए कुछ नहीं है, पर देव की भुजा में कांटा लगाओ, इनका रक्त निकालो और इनका राज्य कर वसूल कर लो। ले जाओ ये ऋषियों का रक्त भी ले जाओ। ये रक्त एक दिन स्त्री का रूप धारण करेगा और सबकी मृत्यु का। ये सब बकवास है। कभी कुछ प्रकृति के विपरीत हो सकता है क्या? एक दिन यही रक्त तुम सबका कारण बनेगा, स्त्री का रूप धारण करेगा, एक आ जाएगा। शंकर के, शंकर के पिताजी, जय शंकर के, जय शंकर के। कहो मित्र, क्या समाचार लाए हो? पिताश्री, आपकी आज्ञा पूरे विश्व में सुना दी गई है और एक मगरूर की गर्दन चुका दी गई है। और प्रतापी और पराक्रमी आपके नाम से घबराते हैं। ऋषि मुनि सिर्फ आपके नाम की ही माला फिराते हैं। अरे परंतु पिताश्री, हमने जब ऋषि मुनियों का रक्त राज्य कर के रूप में वसूल किया तो उन्होंने हमें एक श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कैसा श्राप दिया? उन्होंने कहा यह रक्त एक दिन स्त्री रूप धारण करेगा और तुम सबके अंत का कारण बनेगा। क्या करूं, प्रकृति का विरोध हूँ, रक्त का जीव उत्तम हो सकता है? नहीं, कदापि नहीं हो सकता। जाओ इसे मित्रापुर नगरी में डालो। जैसी आज्ञा पिताश्री।